पीकेएल में मैं पहला प्लेयर था जो पीकेएल में खेल रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले पीकेएल था नहीं। तो सभी को फील होता है अभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, दुनिया देख रही है कबड्डी को और हम इतने अच्छे प्लेयर हैं। तो परमिशन नहीं हो रही थी, डिपार्टमेंट का कुछ इशू था, तो उसके अंदर मतलब सभी प्लेयर ये बोलने लग गए थे भाई नहीं हम डिपार्टमेंट छोड़ देंगे, सबसे महंगा कौन गया है कबड्डी के अंदर। और शायद जहाँ तक मुझे याद है उसमें क्रिकेट के बाद सबसे महंगा प्लेयर मैं ही था। तो फिर सारा लोड मेरे ऊपर आ गया कोचिज वगैरह कि भाई आपको खेलना पड़ेगा क्योंकि तो कोई और मतलब आप सबकी नज़र आप पे है। वो और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें मतलब एक प्लेयर के ऊपर कितना लोड आ जाता है कि एक इंजरी है आपको, फिर सारा लोड आपके ऊपर आ गया। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो। जो जन्म मिला किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त की एलाइंस जो है एक मनुष्य के रूप में आपको बहुत सारी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देती है। मनुष्य का जीवन जो इतना विरले है, बहुत ही सालों के बाद किसी भी इंसान को मनुष्य का जीवन मिलता है। और एक लाइन हमें यह सिखाती हैं कि अगर आप मनुष्य का जीवन जो आपको इतनी सालों के बाद मिलता है, जब आप अपनी प्रतिभा का सर्वोच्च तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आप किसी भी करियर की चोटी पर पहुंच सकते हैं। ये तो हो गई लाइंस की बातें। अब बात करते हैं हमारे आसपास में जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के लोग हैं, जब हम उनकी कहानियाँ सुनते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कोई भी इंसान अगर किसी भी फील्ड के सक्सेसफुल पोजीशन पर पहुंचा है तो उसने बहुत ज़्यादा पापड़ बेले हैं, उसने बहुत मेहनत करी है। एक ऐसी कहानी आपको हम सुनाने वाले हैं, जब आप ये कहानी को सुनेंगे, जब इंटरव्यू आप सुनेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी के सर्वश्रेष्ठ 25 से 30 मिनट होने वाले हैं। चाहे आप इस इंटरव्यू को मोबाइल स्क्रीन पर देखें, चाहे आप इस इंटरव्यू को टेलीविज़न सेट्स पर देखें, कहीं पर भी देखें, ये आपकी ज़िंदगी के बेस्ट 25 से 30 मिनट होने वाले हैं। कहानी कैसे कबड्डी खिलाड़ी की है जिसका जन्म होता है कुंगर भिवानी हरियाणा में। माँ बाप का संघर्ष रहा है, मिडिल क्लास फैमिली से वो आते हैं, भाई का संघर्ष रहा है, पर बहुत ही कम उम्र में इस खिलाड़ी को पता चल गया कि कबड्डी का जो खेल है ये उसी को खेलने के लिए बना है। मेहनत करी, खेलता गया, कठिनाइयाँ आई, आर्थिक स्थिति खराब रही, लेकिन कभी भी अपने सपनों पर गिव अप नहीं किया। खेलते खेलते सर्विसेज तक पहुंचे, और जब वो सर्विसेज के लिए खेलने लगे और वहाँ अच्छा प्रदर्शन करने लगे, तभी इधर प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हो गई। उस वक्त एक नियम हुआ करता था कि प्रो कबड्डी लीग में वो खिलाड़ी नहीं खेल सकता जो सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले सीज़न का वेट किया, दूसरे सीज़न का वेट किया, फाइनली थर्ड सीज़न में ऐसा लगा कि इस खिलाड़ी को पिक कर लिया जाएगा प्रो कबड्डी लीग में किसी भी फ्रेंचाइज के द्वारा, पर किसी कारणवश उनको पिक नहीं किया गया। वो कारण क्या है वो आपको इंटरव्यू में पता चलेगा। सीज़न 4 में उनकी दस्तक होती है प्रो कबड्डी लीग में, और एक बार जब एक खिलाड़ी प्रो कबड्डी लीग के गलियारों में कदम रख देता है तो उसके बाद सबको पता चल जाता है कि ये खिलाड़ी कौन है। सीज़न 4 में बेहतरीन प्रदर्शन, 5 में अच्छा प्रदर्शन, और सीज़न 6 में तो इस खिलाड़ी ने कमाल कर दिया। ये प्रो कबड्डी लीग में सीज़न 6 का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गया। किस टीम ने पिक किया, टीम का नाम था हरियाणा स्टीलर्स, अमाउंट था 1.51 करोड़। उसकी कहानी क्या है, उसके इमोशंस क्या है, वो तो आपको इंटरव्यू में पता चलेंगे। और एक खिलाड़ी जिस तरीके से परफॉर्म करता गया सीज़न दर सीज़न, इस खिलाड़ी को उपाधि मिली द साइलेंट किलर की। अब वो उपाधि भी कैसे पड़ी वो भी आपको इंटरव्यू में पता चलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखेगा क्योंकि मैं बात जिस खिलाड़ी की कर रहा हूँ, जिस कबड्डी स्टार की कर रहा हूँ, जिस कबड्डी लेजेंड की कर रहा हूँ लेजेंड्स ऑफ कबड्डी की स्पेशल सीरीज में, उस खिलाड़ी का नाम है मोनू कोएत। तो इस इंटरव्यू को अंत तक देखेगा, इंटरव्यू को देखेगा और बताएगा कि आपको इंटरव्यू कैसा लगा। सो इंटरव्यू विद मोनू कोएत स्टार्ट्स इन 3, 2, 1, लेट्स गो। गांव तो मेरा कुंगड़ भिवानी है, वैसे कुंगड़ बयानी बोलते हैं क्योंकि गांव काफ़ी बड़ा हो गया था हमारा, तो बयानी मतलब गांव का ही पार्ट हमारा वो, उसमें गोएत रहते हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहां पे हमारे गांव में कबड्डी पहले से खेलते हैं, हमारे जो सीनियर थे या जो गांव में तो सभी चाचा ताऊ भाई यही खेलते हैं, तो वही खेलते थे, तो उनको देख के मैंने भी स्टार्ट किया था। क्योंकि एक कोई भी गाँव हो गया जिस गाँव में किसी भी गेम का क्रेज है, जैसे फुटबॉल का हो गया, कुश्ती का हो गया, तो वही एक परंपरा चलती आती है भाई। क्योंकि दूसरे छोटे बच्चे होते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, और पहले के टाइम में तो सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम पे तो किसी को पता भी नहीं होता था भी दूसरा गेम क्या है। जो गांव में खेल रहे वही देखने जाते हैं और बच्चे उसी को देख के लाइक करने लग जाते हैं, और ये हो जाता है कि एक जो घर में खेलता हो या गाँव में कोई खेलता हो प्लेयर हो जिसका नाम हो, तो सब ये सोचते हैं कि जैसा बनूँ मैं या इसकी तरह खेलूँ, मुझे भी गांव वाले मतलब बोले कि बहुत अच्छा है, या बाहर भी जहाँ पे भी मैं परफॉर्मेंस करके आऊँ तो मेरा नाम हो।
तो वहीं से गांव में हमारे कबड्डी खेलते थे, मेरे चाचा थे जो मेरे परिवार में, विजेंद्र सिंह, बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं वो, और BSF में वो ज्वाइन किया था उन्होंने, वो भी एशियन गेम के कैंप में थे तो कुछ प्रॉब्लम थी उस वजह से वो खेल नहीं पाए। तो गांव में सीनियर खेलते थे, हम भी ग्राउंड पे, मैं भी जाने लग गया, तो उनके साथ मैंने कबड्डी स्टार्ट की। उस टाइम पे मैं 5वीं क्लास में था जब मैंने कबड्डी स्टार्ट की थी। तो ऐसे खेलते खेलते इतना टाइम निकल गया, और मतलब एक मिट्टी से लेके और हम मैट तक आ गए, तो बहुत लंबा सफ़र हुआ है उसमें। गांव में अभी बहुत अच्छे लड़के मेरे बाद में, जैसे मैं PKL में मैं पहला प्लेयर था जो PKL में खेल रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले PKL था नहीं, तो लेकिन प्लेयर बहुत अच्छे रहे हैं, मुझसे भी काफ़ी अच्छे प्लेयर रहे हैं। और अभी बाद में जैसे पहले फर्स्ट में मैं खेला, और अभी जो नवीन है, मोहित है, या एक अनुज था, उसको इंजरी हो गई थी, वो भी खेला था सीजन 6 और 7 में, तो वो भी काफ़ी अच्छे प्लेयर थे। और ये दो तो कंटिन्यू चल रहे हैं, और जो यंग हैं, छोटे लड़के हैं, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और आपको फ्यूचर में वो भी और नए लड़के भी मतलब गांव से आपको देखने को मिलेंगे। माता पिता और भाई बहन, फैमिली में जो भी होते हैं, कोई एक स्पोर्ट्समैन अगर आपको तैयार करना है तो सभी का योगदान होता है उसके अंदर, क्योंकि स्पोर्ट्समैन एक तो क्या होता है भाई, वो सुबह शाम प्रैक्टिस करनी, उसके ऊपर एक आदमी तो हरदम चाहिए, एक क्या चाहे आप दो लगा लो, क्योंकि प्रैक्टिस करके वो आया सुबह चला गया, वो इतना थक जाता है कि वो एक तो छोटा बच्चा होता है, उसको मतलब जब गेम वो स्टार्ट करता है उस टाइम पे उसको खाने की खुद को नॉलेज नहीं होती, तो घर वाले आते हैं जब तक उसके, मान लो भाई हरियाणा में या कोई भी हो गया जो बॉडी कॉन्टैक्ट गेम, पावर वाले गेम, उनमें तो डाइट थोड़ी हैवी लगती है। जैसे घर पर मैं आता था खेल के, तो मेरे पिताजी थे वो मिडिल क्लास फैमिली से, हमें कोई ये तो है नहीं कि तकरीबन जो कबड्डी वाले ऐसे ही हैं मिडिल क्लास फैमिली से हैं, या और उससे भी नीचे हैं, कोई आई ऐसा कोई आपको बहुत कम कोई ऐसा मेरे हिसाब में, मेरी नॉलेज में तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो। तो घर पे मैं आता था खेल के, तो मेरे पिताजी थे वो बादाम वदाम कूट लेते थे, तो मम्मी थी वो भी घर का काम करती थी, बड़े भाई थे वो पढ़ाई में थोड़े ठीक थे तो स्कूल में, लेकिन वो भी सपोर्ट करते थे जो उनके लायक काम होता था जो भी वो करते थे। तो आने के बाद फैमिली ने मतलब हर कदम पे भाई ये खाया कर, इससे और जान आएगी या और ताकत आएगी, मतलब हर चीज़ पे साथ रहे घर वाले, चाहे पैसे की भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, मतलब मुझे ये कभी फील नहीं होने दिया कि भाई नहीं नहीं आज तुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी, या मैं प्रैक्टिस पे जा रहा हूँ तो नहीं भाई तो आज नहीं जाएगा घर का काम कर। लेकिन घर वालों ने पूरा कॉम्प्रोमाइज़ किया भाई, उनको चाहे दूना परेशान होना पड़ा, लेकिन मुझे मतलब हमेशा फ्री रखा उन्होंने। हाँ बिल्कुल, सीजन जो PKL स्टार्ट हुआ था तो हमारे जो सर्विसेज के प्लेयर थे उनकी एंट्री नहीं थी, परमिशन नहीं थी मतलब, तो उसके बाद फर्स्ट में कुछ प्लेयर थे जो जैसे हम थे भाई उस टाइम पे, हम भी नए नए थे डिपार्टमेंट के अंदर, जो हमारे सीनियर प्लेयर थे वो भी, जो मतलब एक जिनका लेवल था भी ये अच्छे प्लेयर हैं, तो सभी को फील होता है भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, दुनिया देख रही है कबड्डी को और हम इतने अच्छे प्लेयर हैं, तो परमिशन नहीं हो रही थी, डिपार्टमेंट का कुछ इशू था। तो उसके अंदर मतलब सभी प्लेयर ये बोलने लग गए थे भाई नहीं हम डिपार्टमेंट छोड़ देंगे, क्योंकि तो कबड्डी के लिए हम भर्ती हुए हैं, मतलब ज्वाइन किया हमने स्पोर्ट्स कोटे से, और वही चीज़ हम नहीं कर पाएंगे, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि भाई जो साथ वाले दूसरे अदर डिपार्टमेंट में हैं या हमारे से अच्छे प्लेयर या हमारे से लो प्लेयर, वो सब खेल रहे हैं उसके अंदर, तो वो चीज़ फील करने लग गई थी। तो डिपार्टमेंट के ऊपर भी प्रेशर आता भाई, क्योंकि आर्मी एयरफोर्स ने भी 3 होते हैं सर्विसेज के अंदर, तो तीनों के प्लेयर ये बोलने लगे भी हम जाएंगे छोड़ के चले जाएंगे, या ऑफिसर को जाके रिक्वेस्ट करने लग गए। तो उसके बाद हमारा मतलब सीजन 3 में परमिशन हो गई थी, उसके अंदर भी फिक्स था एक कि भाई आपका बेस प्राइस ये रहेगा 7 लाख रुपए, फिक्स था वो, मतलब ना कम ना ज़्यादा, क्योंकि वो एक कंडीशन हो गई थी भाई सर सीजन 3 के अंदर कि भाई हम एक तो लोगो लगाएंगे शोल्डर पे अपने डिपार्टमेंट का सर्विसेज का PKL के अंदर, और दूसरा था कि आपका फिक्स प्राइस रहेगा 7 लाख रुपए, क्योंकि आप आर्मी के अंदर हो या सर्विसेज के अंदर हो तो आपकी बोली नहीं लग सकती, क्योंकि एक डिफेंस वाले पर्सन के जो देश की रक्षा करते हैं तो उसका मतलब कुछ था इशू, वो हो गया हमारा। तो उस टाइम पे 8 टीम थी, तो 16 प्लेयर थे उसके अंदर, तो उसमें हर टीम में 2-2 प्लेयर थे। तो सीजन 3 में 8 टीमें थी, और हमारी सर्विसेज के प्लेयर हुए टोटल थे हम 16 प्लेयर, तो एक टीम में 2 प्लेयर जाएंगे,
वो कंडीशन हो गई थी, लेकिन टाइम कम बचा था उस सीजन स्टार्ट होने में जब हमारी परमिशन हुई। तो कुछ प्लेयर्स थे भाई ऐसे ही, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था भी किसको कैसे वो मतलब टीम में जाएं। तो उन्होंने एक रूल बना दिया था पीकेएल ने कि भाई लकी ड्रा वाला सिस्टम करेंगे, भाई हर टीम में दो प्लेयर जाएंगे, 16 प्लेयर हैं, आप जो सबसे नीचे रही थी उस सीजन टू में जो टीम, वो पहले लकी ड्रा उठाएगी। तो दो टीम ने लकी ड्रा वाला बोलते ही मना कर दिया था, यू मुंबई ने और जयपुर पिंक पैंथर ने। तो उस टीम पे उसमें अब चार प्लेयर तो भाई बचेंगे, उसमें तो कोई था नहीं कि भाई चार प्लेयर, दो टीम ने मना कर दिया। उसके अंदर फिर हमने लकी ड्रा उठाया, तो उसमें हम लास्ट में चार प्लेयर रह गए थे, मैं और एक अजय कुमार था जो गुजरात से खेला है, और एक अनिल था एयरफोर्स का, और एक रोहित अक्की था। तो रोहित अक्की भी बाद में गए थे क्योंकि एक प्लेयर्स था जो पटना ने लिया था, उसको नी की कुछ इंजरी थी, उस वजह से उसको रिप्लेस किया था भाई लकी ड्रा में, फिर रोहित का नाम आ गया था, उस वजह से भी मैं वो सीजन नहीं खेल पाया था सीजन थ्री। लेकिन उस टाइम पे बहुत निराशा हुई क्योंकि एक उम्मीद थी भाई कि हाँ भाई अब तो खेलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जब ये अनाउंस हुआ कि भाई हमारी परमिशन हो गई है, उस टाइम पे उज्जैन में टूर्नामेंट चल रहा था 1,00,000 रुपये का, काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट होता है वो, हर साल होता है ऑल इंडिया टूर्नामेंट, क्योंकि उस टाइम तो वही सहारा था भाई हमारा, क्योंकि पीकेएल में कोई परमिशन थी नहीं, ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेलो और वहीं से मतलब पैसे भी मिलते थे जो डाइट में हमें काम आते थे, क्योंकि अकेली मान लो जॉब है तो वो सारी उसमें लग जाती थी डाइट वगैरह में, क्योंकि इतनी सैलरी होती नहीं थी उस टाइम पे, तो मतलब वहीं से चल रहा था। उस टाइम बहुत काफ़ी मतलब खुशी हुई थी, उस टाइम पे भी वो सीज़न थ्री निकल गया, काफ़ी निराशा हुई, लेकिन वही था भाई कि कोई नहीं नेक्स्ट ईयर जब तीन सीज़न निकल गए सीज़न फोर में देख लेंगे। तो वो ऐसी प्रैक्टिस चलती रही, फिर सीज़न फोर में हमारी परमिशन हो गई, उसमें प्लेयर्स भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसमें एक हो गया था भाई हमारा जो प्राइस था वो भी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि 7,00,000 था तो उससे 18,00,000 रुपये कर दिया था। तो उसमें हमारी परमिशन होने के बाद मतलब ये हो गया था कि कोई भी टीम किसी को साइन करवा सकती है, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी लकी ड्रा वाला। तो उस टीम में उस सीजन फोर में मुझे लिया था बंगाल वॉरियर टीम ने, उसके अंदर मैं खेला था। हाँ बिल्कुल, सीजन सिक्स में जब हरियाणा स्टीलर्स टीम ने मुझे पिक किया था 1.51 करोड़ में, तो फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। उस टाइम पे हमारा कैंप लगा था इस इन गेम का, इसमें साई में जो बालगढ़ साई है सोनीपत में, उसमें लगा था। तो उस टाइम पे ऑक्शन के टाइम पे जैसे मैं घरवालों के पास तो था नहीं, घरवाले तो उधर वहीं पे देख रहे थे भाई घर पे टीवी में, लेकिन वैसे बात हो रही थी भाई कब नाम आएगा, क्योंकि घरवालों को इतनी नॉलेज है नहीं कि भाई कब नाम आता क्या होता, बस उनको ये था कि भाई कब नाम आएगा। लेकिन कैंप में ये था जब भी वो इंडिया कैंप लगा हुआ था, कोचेज थे जितने प्लेयर थे, तब ये बोल रहे थे कि भाई क्योंकि परफॉर्मेंस मेरी उस टाइम पे बहुत काफ़ी अच्छी थी, सीजन फाइव के बाद नेशनल हुआ उसमें भी मेरा काफ़ी मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन था, फेडरेशन कप हुआ उसके अंदर भी, और उसके बाद 1 करोड़ वाली टूर्नामेंट हुई थी जींद में, उसमें भी हम चैंपियन रहे थे, मतलब कंटिन्यू कई टूर्नामेंट मिला के सीजन फाइव को मिला के कंटिन्यू मतलब परफॉर्मेंस काफ़ी मतलब इतनी अच्छी हो गई थी कि मतलब ये अलग से दिखने लग गया था भी मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो उसके बाद जब ऑक्शन हुआ था तब हम जैसे मैं, मनजीत छिल्लर और रविंदर पहल, तो रविंदर पहल का वहाँ पे फ्लैट था इधर सोनीपत में, तब उसके फ्लैट पे हम तीनों जने बैठे थे, ऑक्शन हम वहीं पे देख रहे थे, तो वहाँ पे देखा था नाम आ गया, काफ़ी मतलब खुशी हुई। लेकिन पहले ये बोलने लग गए थे कैंप के अंदर कि भाई आपका ऑक्शन सबसे ज़्यादा जाएगा, तो मतलब था एक विश्वास था, लेकिन वो पूरा भी हुआ। जब ये बोलते हैं ना कि भाई जब तक ना पूरा हो जब तक तो एक विश्वास ही आस ही होती है, लेकिन वो अच्छा रहा ऑक्शन मेरे लिए, और वहाँ पे मतलब काफ़ी खुशी हुई। घर वालों को भी मतलब ये हो गया था कि इतना पैसा मतलब एकदम से, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में 1 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ रुपए आना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, और दूसरी बड़ी बात होती है भाई सबसे मतलब नाम होता है कि भाई सबसे महंगा कौन गया है कबड्डी के अंदर, और शायद जहाँ तक मुझे याद है उसमें क्रिकेट के बाद सबसे महंगा प्लेयर मैं ही था, मेरे बाद फुटबॉल के थे सुनील छेत्री जी, वो शायद 1.5 करोड़ रुपये में थे, 5-1 मेरा सबसे ज़्यादा था। तो काफ़ी खुशी थी भी सेकंड नंबर पे क्रिकेट के बाद कोई है तो वो कबड्डी में है, और कबड्डी के लिए भी एक अच्छी बात थी क्योंकि कबड्डी का भी प्राइस मतलब इतना प्लेयर्स इतने महंगे जाने लग गए, तो काफ़ी खुशी हुई थी उस टाइम पे। घर वाले भी खुश थे, गांव में भी काफ़ी खुश थे लोग जो रिलेटिव थे वो भी, और एक जो कबड्डी में थे जो मतलब जो सीनियर प्लेयर थे और थे जो मतलब कबड्डी को लाइक करते हैं, तो एक सबको खुशी होती है भाई कोई प्लेयर इतना महंगा गया, शुरुआत हुई है आगे और ज़्यादा होगी,
तो काफ़ी अच्छा लगा था उस टाइम मुझे। हाँ बिल्कुल, देखो इंजरी एक ऐसी चीज़ है जो प्लेयर्स को मतलब आसमान से बिल्कुल ज़मीन पे ले आती है। तो मुझे, मैं जब सीजन 6 में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहा था, तो उस टाइम पे मुझे इंजरी हो गई थी जब हरियाणा टीम में था सीजन 6 में। तो लेकिन उस टाइम पे जब ऑक्शन हुआ, मुझे मतलब इतना मतलब पॉजिटिविटी आ गई थी बॉडी के अंदर कि भाई मुझे बहुत मतलब जितना अच्छा मैं खेला हूँ उससे डबल मतलब परफॉर्मेंस दूँ या नेक्स्ट ईयर इससे भी ज़्यादा मतलब मेरी आई बीट लगे। लेकिन उस टाइम पे जब एशियन गेम में थे तो उस टाइम मुझे इंजरी हो गई थी, लेफ्ट पैर में मेरे शिन बोन में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन उसके बाद मैं जैसे प्रैक्टिस करता रहा एशियन गेम के कैंप में, कंटिन्यू चलती रही, क्योंकि एक डर था भाई, क्योंकि एशियन गेम 4 साल में एक बार आता है और 4 साल के बाद प्लेयर की परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है। लेकिन उस टाइम पे मैं वही इंजरी के अंदर प्रैक्टिस करता रहा, वो मेरी गलती थी। और लेकिन चलो वो भी एक मतलब 4 साल में एक बार एशियन गेम आता, वो भी प्लेयर कोई भी हो ये सोचता भी कोई नहीं, एक बार दर्द बर्दाश्त कर लो उसके बाद में रेस्ट कर लेना। लेकिन उसके बाद मैं हरियाणा टीम में चला गया कंटिन्यू, क्योंकि बीच में रेस्ट मिला नहीं। एशियन गेम से खेल के आए, उसके बाद प्रो स्टार्ट थी अक्टूबर में, शायद अक्टूबर या कुछ नवंबर में स्टार्ट थी उस सीजन सिक्स में। तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी दोबारा हरियाणा टीम में। लेकिन उस इंजरी को ठीक करने के चक्कर में मतलब मैंने थोड़े दिन तो रेस्ट किया था जहाँ भी कैंप में हुआ था। लेकिन जैसे पहला मैच था हमारा, हम 3-4 सीनियर प्लेयर थे हरियाणा टीम के अंदर, मैं था, वजीर सिंह थे जो काफ़ी सीनियर है, नाड़ा था, सुरेंद्र नाड़ा। तो जैसे डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था भाई एक फर्स्ट मंथ आपको रेस्ट करना है, आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, मतलब रिहैब करो आप, क्योंकि मेरी छोटी सी सर्जरी हुई थी उस टाइम पे जब मैं कैंप में था हरियाणा टीम के, लेजर से सर्जरी कर दी थी उन्होंने। लेकिन उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप 40 दिन का प्रॉपर रेस्ट करोगे, मतलब रिहैब करोगे लेकिन मैच नहीं खेलोगे, मतलब लोड वाली कोई भी चीज़ एक्टिविटी नहीं करोगे जिससे शिन बोन पे लोड आए। लेकिन पहला मैच ऐसा हुआ कि भी नाड़ा खेल रहा था, नाड़ा कैप्टन था पहले, तो उसको इंजरी हो गई पहले मैच में, उसका हाथ टूट गया था। तो फिर सारा लोड मेरे ऊपर आ गया कोचिज़ वगैरह कि भाई आपको खेलना पड़ेगा क्योंकि कोई और मतलब आप सबकी नज़र आप पे है। वो और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें मतलब एक प्लेयर के ऊपर कितना लोड आ जाता है कि एक इंजरी है आपको, फिर सारा लोड आपके ऊपर आ गया और आपको मतलब एक महीना 40 दिन का रेस्ट लेना है लेकिन उसके बाद आपको खेलना पड़े। लेकिन फिर भी मतलब प्रेशर आ गया था सारी चीज़ का। फिर मैंने चलो भाई खेल लेते, दूसरे मैच से मैंने स्टार्ट कर दिया था, पहला मैच हम जीत भी गए। लेकिन वो उस लेफ्ट लेग को मतलब इतना डर हो गया था मुझे कि कुछ भी इस पे लगेगा तो मतलब पैर की शिन बोन में इंजरी थी तो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, वो थोड़ा सा मतलब हड्डी में कट पड़ जाता है, तो और डर हो गया था कहीं टूट ना जाए। उसकी वजह से मैंने राइट पैर पे सारा लोड डाल दिया और पूरा सीजन ऐसे निकल गया लोड डाल के। तो उसकी वजह से लेफ्ट में तो इंजरी थी, राइट पैर में मुझे 3 स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गए, मतलब इंजरी काफ़ी 3 गुना बढ़ गई वो दोनों पैर में। फिर ऐसे करते करते उस इंजरी को छुपाते भाई, तो ना सोशल मीडिया में बता, क्योंकि पूरी टीम की प्लानिंग थी या जो भी मैनेजमेंट की थी भाई आपको बताना नहीं है कि आपको इंजरी है। और उधर से मतलब काफ़ी स्ट्रेस हो गया था माइंड के ऊपर, एक तो परफॉर्मेंस डाउन गई, जो सोचा था उसका उल्टा होने लग गया था कि भाई मुझे तो ये था कि मैं और अच्छी परफॉर्मेंस दूँ और नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा वो मेरा नाम और मतलब टीम को ऊपर लेके जाऊं। लेकिन सारा सिस्टम उल्टा होने लग गया था, पूरा स्ट्रेस, मीडिया के भी यही क्वेश्चन आ जाते हैं फिर तो, कि आप इतने महंगे आप कुछ कर नहीं रहे, ऊपर से ये प्रेशर आपको बताना नहीं आपको इंजरी है, ना किसी ने मतलब कोचिज़ वगैरह ने या किसी ने भी कोई जिक्र नहीं था उसमें मेरी इंजरी का। लेकिन वो मतलब सारा स्ट्रेस फ्रैक्चर और उसकी वजह से मतलब स्ट्रेस की वजह से मुझे स्किन की भी प्रॉब्लम हो गई थी उस वजह से, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से स्किन की प्रॉब्लम आती है। मतलब काफ़ी चीज़ें बहुत मतलब बर्दाश्त की मैंने। और उसके बाद कंटिन्यू चलते चलते उसके बाद फिर डिपार्टमेंट के मैच हैं वो भी खेलने पड़े, क्योंकि अगर वो डिपार्टमेंट के मैच हम नहीं खेलते तो हमें परमिशन नहीं मिलती। उसके बाद फिर ऐसे नेक्स्ट सीजन आ गया तो कंटिन्यू टूर्नामेंट खेलते खेलते मतलब काफ़ी इंजरी का सामना करना पड़ा मुझे। और लास्ट में जाके जब कोरोना आया उसके बीच में मुझे 1 साल का रेस्ट मिला, तब जाके मेरी वो इंजरी ठीक हुई थी। हाँ बिल्कुल, देखो इंजरी को हमने बहुत ही सीरियस लेना चाहिए। जैसे मैं था, मैंने इंजरी को थोड़ा सीरियस तो मैंने भी लिया, लेकिन कोई ऐसे बताने वाला नहीं था भाई आप इस टाइम पे रेस्ट कर लो, ये रेस्ट आपके लिए अच्छा है, बाद में चाहे आप 1 महीना रेस्ट करो जो मुझे डॉक्टर ने बोला था भाई आपको 1 महीना 40 दिन रेस्ट करने के बाद आप टूर्नामेंट खेलो या जो लास्ट वाला जो मतलब
क्योंकि बहुत लंबा सीजन था, आप पहला तीन मंथ का सीजन था टोटल, तो आप एक मंथ रेस्ट करो, दो मंथ आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। अगर उस टाइम पे कोई मतलब ये स्पोर्टिव सपोर्ट करने वाला होता कि भाई आप इस टाइम पे पहला मंथ आप रेस्ट करो, आपको नहीं खेलना, तो उस टाइम पे काश मेरी वो इंजरी मतलब इतनी नहीं बड़ी होती, ठीक हो जाता, जो परफॉर्मेंस मेरी थी वो वापस वैसे ही रहती और मैं और लंबे टाइम तक खेल सकता। लेकिन जो यंग प्लेयर है उनसे मेरा मतलब यही है कि आप अपनी इंजरी को ना मतलब कोई चाहे छोटी से छोटी या बड़े से बड़ी इंजरी हो उस पर पूरा फोकस रखो और उसको ठीक करो, उसके बाद ही आप टूर्नामेंट में जाओ। क्योंकि ये होता है भी एक इंजरी है उसके अगर आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो एक तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन, दूसरी बात वो एक इंजरी दूसरी इंजरी को लेके आती है और यही होता है मतलब एक बार फिर ये मतलब प्लेयर के अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि अब मुझे इंजरी से होनी स्टार्ट हो गई, भाई एक इंजरी लग रही है फिर दूसरी होगी फिर तीसरी होगी। लेकिन वो मेन चीज़ ये होती है वो हमारी गलती होती है कि भाई हम उस इंजरी को प्रॉपर ठीक नहीं करते और बॉडी वेट मान लो एक लेग में इंजरी दूसरी पे स्टार्ट कर देते हैं ज़्यादा डालना, तो वो दूसरी में हो जाती है, फिर वो उनको दोनों को बचाने के लिए फिर कहीं और इंजरी हो जाती है। लेकिन जो यूथ है उनसे यही है कि भाई आप पहले जो आपकी इंजरी है छोटी सी इंजरी है उसको पहले प्रॉपर रिहैब करो, उसको ठीक करो ताकि आप लंबे खेल सको और आपकी परफॉर्मेंस अप रहे। 2018 का एशियन गेम हुआ था जो वो मतलब हम काफ़ी खुश थे उस टीम में, हमारा सिलेक्शन हुआ इंडिया टीम में और एशियन गेम में मेडल लेके आना या भारत को रिप्रेजेंट करना काफ़ी खुशी मिलती है। और उससे पहले एक मास्टर दुबई कप हुआ था उसके अंदर हम गए थे, उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी सभी प्लेयर्स की और गोल्ड आया था उसके अंदर, तो टीम में काफ़ी पॉजिटिविटी थी भाई मतलब ये टूर्नामेंट इसमें भी हम जीतेंगे। और एशियन गेम कबड्डी का सबसे लास्ट मतलब सबसे ऊपर वाला स्टेज ये कि एशियन गेम है, तो उसके अंदर भी ये था कि हम इसके अंदर भी गोल्ड लेके आए। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मतलब जो हम हमारी सक्सेस नहीं हुई, चाहे उसमें कोचिंग लगा लो या प्लेयर्स की लगा लो, मतलब एक के ऊपर हम ये नहीं डाल सकते कि प्लेयर्स की कमी थी या कोचिज की कमी थी, छोटी छोटी कई चीज़ें थी जिसकी वजह से इंडिया टीम हार गई। हाँ बिल्कुल, साइलेंट किलर है मेरी बायो में और ये काफ़ी मुझे भी मैसेजेस आते हैं कि भाई आपने साइलेंट किलर क्यों लिखा है, तो ये मुझे सीज़न 5 से नाम मिला था। सीज़न 5 में जो कमेंटेटर थे सुनील तनेजा जी, उन्होंने मुझे ये नाम दिया था जब मैं रेड करके आता था, तो सीज़न 5 में हम चैंपियन रहे थे, तो मेरा काम यही था कि रेड किया मैं उस टाइम पे, मतलब सोशल मीडिया से अब भी दूर ही रहता हूँ, उस टाइम तो बिल्कुल मतलब कोई इंटरेस्ट इतना काफ़ी था नहीं, तो उन्होंने नाम रख दिया था मेरा साइलेंट किलर, क्योंकि वो ये बोलते थे भाई अपना जाता काम करके चुपचाप पॉइंट लिया और वापस आ गए, तो मुझे साइलेंट किलर बोलने लग गए थे। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा नाम, तो तब से मैंने अपनी बायो में लिख रखा है साइलेंट किलर। देखो पीकेएल की ट्रॉफी सीजन 10 में एक पुनेरी पलटन ऐसी टीम है जो मतलब आप चाहे रेडिंग में लगा लो डिफेंस में लगा लो, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि इस टीम में यहाँ पे कमी है, क्योंकि सबसे मेन बात तो उस टीम की है, प्लस पॉइंट ये है कि आप डिफेंडर तो कैच करते हैं, रेडर भी उसके अंदर कैच करते हैं, हाई-फाई लगा देते हैं, और दूसरी बात यह है कि डिफेंडर हैं जो वो भी रेडिंग कर लेते हैं, जैसे सादलू है भाई, हम सीजन 8 में हम साथ में खेले थे और सेकंड रहे थे इसके अंदर पीकेएल के अंदर, तो काफ़ी मतलब वो आप ऑलराउंडर बोल सकते हो उसको, एक डिफेंडर नहीं मतलब ऑलराउंडर बोल सकते हो, क्योंकि वो रेडिंग में भी पॉइंट लेके आता है और डिफेंस में भी, और बाकी आप असलम को लगा लो, मोहित को लगा लो, पंकज को लगा लो, या जो आकाश शिंदे जो उनका बेंच स्ट्रेंथ वो भी काफ़ी अच्छी है, तो क्योंकि पिछली बार भी चलो ठीक है पिछली बार भी वो टीम अच्छी थी तो उसके अंदर फजल था, लेकिन अब रिप्लेस होके उसके अंदर वो दूसरा मान लो सादलू आए हैं, तो मुझे तो ये लगता है भी वो टीम फाइनल उठाएगी इस बार। हरियाणवी सिंगर है मासूम शर्मा, पंजाबी दलजीत या बब्बू मान, दो के सुनता मेरा। फेवरेट एक्टर है संजय दत्त, कैटरीना कैफ। फेवरेट खाना मेरा जैसे माँ के हाथ का चूरमा या पराठे, क्योंकि घर में कई दिन में आते हैं तो मतलब यही हमारा फेवरेट है, बचपन से खाते आए हैं दूध दही चूरमा। फेवरेट हरियाणा भी है क्योंकि हरियाणा ने मुझे इतना मतलब नाम दिया था उस टाइम पे, बिड में लिया था और काफ़ी स्पोर्ट भी किया था तो हरियाणा टीम है। हाँ अभी तो मैं जैसे सीज़न 10 का हिस्सा नहीं रहा और अभी मैं NIS कर रहा हूँ, तो कोचिंग के लिए कोर्स होता है एक साल का जो बेंगलोर में होता है,
तो इस साल तो मैं पूरे साल हमारा अप्रैल मई या जून में वो कोर्स ख़त्म होगा, उसके बाद मैं दोबारा कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पे हम NIS में जाके काफ़ी चीज़ें जो हमारी एक कोच के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, मतलब पेशेंस या कैसे प्लेयर्स को रखना, क्योंकि प्लेयर्स की और कोच की लाइफ बहुत अलग होती है। हम ये सोचते हैं भी कोच के ऊपर जितना प्लेयर के ऊपर प्रेशर होता है, कोच के ऊपर उसके डबल प्रेशर होता है, वो चीज़ें हमें वहाँ पे सीखने को मिलती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हम प्लेयर लाइफ में नोटिस नहीं करते कि भी कोच को प्लेयर से ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। प्लेयर्स कभी हम खुद भी रहे हैं, अब भी खेल ही रहे हैं, हम कभी कभी ये सोचते हैं भी आज ग्राउंड पे नहीं जाना, थोड़ा सा रेस्ट मार लिया, बीमार बोल दिया, लेकिन एक कोच ग्राउंड पे नहीं आता तो आपके अंडर में जितने लड़के हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो पंचुअलिटी मतलब कोच के अंदर बहुत काफ़ी ज़रूरी है, और काफ़ी प्रेशर होता है वो वहाँ पे जाके सीखा। और दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ पे हमें बेसिक चीज़ें दोबारा करने को मिलती हैं। जैसे मैंने कबड्डी स्टार्ट की थी उस टाइम पे जो बेसिक प्रैक्टिस की थी वो वहाँ पे हमें दोबारा करने को मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है। जो हमारी जो चीज़ें हम आगे एडवांस जाते जाते पीछे वाली चीज़ को भूल जाते हैं वो हमें वहाँ पे दोबारा सीखने को मिलती है। तो वहाँ पे मैं अभी NIS चल रही है, उसके बाद मैं देखूँगा सीजन 11 में दोबारा एक बार कोशिश करूँगा भाई मैं दोबारा खेलूँ। अगर नहीं हो पाता, बॉडी मतलब वैसा रिस्पॉन्स नहीं देती कि भाई मैं दोबारा कर पाऊँ, तो उसके बाद मैं कोचिंग फील्ड में आऊँगा। कबड्डी अड्डा के जो फैंस हैं उनसे मेरी यही मतलब रिक्वेस्ट है कि आप ना ये इतना कबड्डी को मतलब ऊपर लेवल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी प्लेयर्स को सभी को सपोर्ट करते हैं, जो आपको डेली की न्यूज़ है या कबड्डी के प्लेयर्स हैं जो लेजेंड है वो कहाँ पे हैं, या जो अभी PKL 10 में क्या चल रहा है, या नेशनल इंटरनेशनल जो भी आपको जितनी भी नॉलेज करते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, तो आप इनको फॉलो करो, सपोर्ट करो, और आप ऐसे ही मतलब अपनी तो साथ बनाए रखना।